अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको इस वीडियो में फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अमली इम्तिहानात के हवाले से यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हवाले से जो नई पॉलिसी आई है उसके बारे में बताया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तब्दीली की है, उसके पुराने प्रैक्टिकल निज़ाम को रिप्लेस किया है और नया प्रैक्टिकल निज़ाम लेके आए हैं जिसको प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का नाम दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अमली इम्तहान के मौजूदा पैटर्न को प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट तब्दील कर दिया गया है, जो कि मैट्रिक पार्ट वन और इंटरमीडिएट पार्ट वन की क्लासेस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के मजामीन में 2024 के प्रैक्टिकल का मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होंगे। फेडरल बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रैक्टिकल का जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है पेपर लेने का, उसको प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के नाम से तब्दील किया गया है और इसमें जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिकल मैट्रिक के पार्ट वन और इंटरमीडिएट की क्लासेस का पार्ट वन जो 2024 का एग्जाम है उसमें नए पैटर्न के तहत प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। और इसका पेपर का पैटर्न जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि प्रैक्टिकल बेस्ड जो असेसमेंट सिस्टम है वो साइंस के सब्जेक्ट में होगा, पार्ट वन का 2024 में एग्जाम लिया जाएगा इस पैटर्न के तहत, और जो पार्ट टू है यानी मैट्रिक पार्ट टू और इंटरमीडिएट पार्ट टू का जो 2025 का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो नए पैटर्न पे असेसमेंट पैटर्न के मुताबिक लिया जाएगा। थैंक यू व्यूअर्स, इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमात मुफीद होंगी। आप इंशाल्लाह दीगर तलबा के ग्रुप्स में भी इसको शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको मुफीद आइंदा के लिए मुफीद मालूमात भी देते रहेंगे। थैंक यू।